हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, यू ऑल आर फीलिंग कोल्ड टुडे ना? देन व्हाई वी फील कोल्ड? सम टाइम वी फील वेरी हॉट एंड सम टाइम वी फील कोल्ड। एट द सेम टाइम इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सम कंट्रीज देयर इज स्नोफॉल लाइक यूएसए एंड ब्रिटेन नाउडेज, बट इन द सम कंट्रीज लाइक अफ्रीका देयर इज नॉट लाइक द वेदर इज चेंज। क्यों सब कंट्रीज का वेदर चेंज होता है, सब एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है? व्हाई? बिकॉज दिस इज द ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। क्यों? अर्थ जो है वो मूव करती है सन के चारों ओर। द पोर्शन द कंट्रीज विच कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन, सन के पास में जो आते हैं, सामने में आते हैं, वहां समर होता है। एंड द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज नो सन, दे आर बैक, देयर इज नो सनलाइट, जहाँ पे सन का ताप कम पड़ता है, टेम्परेचर कम पहुंचता है, वहां पर क्या होता है? विंटर सीजन होते हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर ड्यू टू द टिल्टेड पोजिशन ऑफ द अर्थ। हमारी धरती थोड़ी सी झुकी हुई है सन की, तो जब ये घूमते घूमते टिल्टेड पोर्शन में जो कंट्री सामने आ जाती है सन के, वहां पे समर्स होते हैं, और बैक साइड में जो अर्थ के दूसरी तरफ कंट्रीज होते हैं, वहां पर विंटर्स होते हैं ना। Let's read in detail. I am going to share the book page of this lesson where we will read many things. We have learned about the solar system. Now, the sun and the planets they together form the solar system. You have made the diagram of also, and layers of earth. We have learned about the different layers of earth ke baare mein padha hai na. On which layer we live? We live on the outer layer of the earth, that is called crust, जो कि सबसे ऊपरी सतह होता है, crust पे earth के हम लोग रहते हैं। Why we live or can live on earth? Because on crust there is air and water, and for the living, for life, air and water is compulsory. And the movement of earth, meaning of revolution and rotation on the earth, ये हमने पढ़ा। How days and nights are formed? डेज नाइट कैसे बने? वी हैव डन ना टॉर्च और वो उसकी एक्टिविटी से हम लोगों ने किया था ना सनलाइट। एंड हाउ सीजंस आर फॉर्म, वी हैव लर्न दीज थिंग्स इन डिटेल। यस स्टूडेंट, लेट्स डू द बुक एक्सरसाइजेस। मेनी यू ऑफ यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। टूडे वी आई एम गोइंग टू रिवाइज, एंड सम ऑफ यू हुज इज लेफ्ट दे कैन कंप्लीट ऑल्सो। टू ट्राई टू डू दिस बाई योर ओन। हाँ, in the book children, these book exercises are in the book, in your book it is on page number 112 and 113. I will share this in the PDF form also. This time you listen and solve. Those who have not completed, bring your pencils, and with the help of pencils you complete these book exercises. Okay children, let me share. Yes, this is the tick the correct answer. Here are the four answers and one question. You have to take the correct one. The total number, number one, the total number of planets in our solar system are, solar system में हमारे कितने planets total है? 8 ना? सबसे पास में कौन सा है? Mercury. And the biggest planet in the solar system, solar system में सबसे बड़ा planet कौन सा है? Jupiter. We have seen ना, हम लोगों ने बेटा ये सब कुछ देखो, हम लोगों ने देखा है ना। इन योर बुक देर इज अ पिक्चर, आपके बुक में एक ये पूरा सोलर सिस्टम का पिक्चर ये दिया हुआ है ना, दिस यू कैन सी। और ये सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। आप यू कैन सी द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। और एक प्लैनेट जिसके चारों ओर ऐसे रिंग है, ये सैटर्न है ना। और एंड द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, इस सन के सबसे पास कौन सा है? मरकरी है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। हाँ, इसी पे द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द अरेंज, हाउ द प्लैनेट्स आर अरेंज इन आवर सोलर सिस्टम। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? यू हैव डन दिस ऑल्सो, ये भी हम मैं आप लोगों को दिखा चुकी है। सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? जो सबसे हॉट होता है, that is called core. क्या कहलाता है? Core. The innermost layer of the earth is called core. सबसे अंदर में का हिस्सा सीवर, और ये सबसे गर्म होता है, it is very hot. और यहाँ ये किससे मिलके बना होता है? Molten metals यहाँ पे होते हैं,
एंड कम टू द फोर्थ वन, सीजन्स आर कॉज ड्यू टू द, सीजन किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, नो, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, टेक द बी वन, बी वाले को आप करेक्ट करोगे, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है ना. एंड अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. कौन सा सही है, दिस इज कॉन्स्टिलेशन. यू ऑलवेज टिक मार्क ना, आप कौन से को टिक करोगे, ये कॉन्स्टिलेशन, दिस इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज कॉन्स्टिलेशन, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई, में जो शेप बनाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. ओके चलो कम टू द नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. स्टार्स गिव आउट सन, आपको पता है सन भी एक स्टार है ना, ये अर्थ से सबसे नजदीक है इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखता है. अदर स्टार्स आर ऑल्सो बिग बट दे आर वेरी फार, वो बहुत दूर है इसलिए हमको वो छोटे दिखते हैं. स्टार्स हमको क्या देते हैं, हीट एंड लाइट. व्हाट दे गिव, हीट एंड लाइट. यू ऑल विल राइट HEAT, हीट, LIGHT, लाइट. द कम टू द सेकेंड वन, द पाथ ऑन विच अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. वो जो लाइंस दिखती हैं सोलर सिस्टम में जिसपे की सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. द डैश ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड बाय हॉट मोल्टन मेटल, सबसे गर्म होता है, दैट इज कोर, दैट इज कोर. एंड कम टू द फोर्थ वन, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट. डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन. And the earth takes 365 days to go around the sun. How many days? 365 days. And this is the picture of constellation. ये spoon shape का है, देखो ऐसे long spoon, जिसको कि constellation क्या होता है, a group of stars that forms a pattern in the sky. And this is a big deeper. Come to match the column. अब हम लोग match the column देखेंगे. Venus. Venus क्या है? Red planet है. सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, द फास्टेस्ट प्लैनेट है, नो, द वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. वेनस क्या है, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. वेनस को किससे मैच करेंगे, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट से ना, तभी नहीं, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. वेनस को और भी क्या कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. जब आप एकदम हल्का सनसेट होता है तो सबसे पहले जो चमकीला सा तारा दिखता है, दैट इज वेनस. And Neptune, what is Neptune? Neptune is the farthest planet. Neptune क्या है बेटा? ये सबसे दूर का planet है. सबसे दूर होता है, ठीक है? And what is Uranus? Uranus क्या है? The planet with 27 moons. हमारा Earth भी एक planet है. उसके कितने moon है? Only one. बट यूरेनस के कितने मून है बेटा, द प्लैनेट विद 27 मून्स. और मार्स क्या है, मार्स इज द रेड प्लैनेट. मार्स क्या है बेटा, मार्स को किससे मैच करेंगे, द रेड प्लैनेट से. मार्स क्या है, रेड प्लैनेट है, डस्ट है ना उसके सरफेस पे, इनर मोस्ट प्लैनेट है, इसके सरफेस पे डस्ट पाई जाती है जो रेड इन कलर होती है. एंड वॉट इज सैटर्न, द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. सबसे बड़ा तो जुपिटर है, और जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न. सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. और क्या सैटर्न की खासियत है, इसके चारों ओर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर भी है ना, देयर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज रिंग, एक रिंग की तरीके का स्ट्रक्चर है. नाउ लेट्स डू आंसर इन वन वर्ड, एक नेम, नेम द फॉलोइंग, इनका नेम लिखना है, इनके करेक्टर के बारे में बताएंगे आपको, बताना है ये कौन से है, ये क्या चीज है. The planet which is also known as morning star, Venus. Morning star किसको कहते हैं, Venus को कहते हैं. The heavenly body that moves around a planet, एक planet के चारों ओर जो heavenly body घूमती है उसको क्या कहते हैं, moon. The spinning movement of the earth on its axis, rotation. And the constellation that looks like a hunter, उसको क्या कहते हैं, आर्यन. आपके बुक में पिक्चर है ना, यस. कम टू द नेक्स्ट वन, चलो दूसरा देखें.
Yes, this is you have to do this, solve this puzzles. Come to serves. Morning star number two. You will write here VE and US Venus. The planet with ring Saturn number four is Saturn SATURN. And six, the center of the solar system. Number six कहाँ लिखा है? या द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट नंबर सेवन इज लार्जेस्ट प्लैनेट दैट इज द जुपिटर. वो क्या कहलाता है? जुपिटर कहलाता है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से सेवेंथ प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस. दिस इज URANUS. द फार्थेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इट इज नेपच्यून NEPTUNE. आई होप यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व दिस. आप ये सब सॉल्व कर लोगे अपने आप से. आई विल शेयर दिस PDF ऑन द ऑनर एडोनिक्स ऐप ऑल्सो. इन द चैप्टर द अर्थ एंड इट्स नेबर यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर ऑल्सो. अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो. यस चिल्ड्रन, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ दिस लेसन. वॉट इज चिल्ड्रन? गो टू अ पार्क ऑन अ ब्राइट सनी डे. जब थोड़ा धूप होता है आप किसी बड़े के साथ पार्क में जाओगे, बहुत ध्यान से मास्क वगैरह लगा करके. टेक अ ड्राई लीव एंड और सम कॉटन, कुछ सूखी पत्तियां लो या कॉटन लो. विद द हेल्प ऑफ एडल्ट यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. एक मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे ऐसा. इफ यू डोंट हैव देन डोंट वरी, आप परेशान मत होना, मत करना. यू जस्ट ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास. एंड चिल्ड्रन यू हैव टू विद द हेल्प ऑफ एडल्ट यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू फोकस द रेज ऑफ सन ऑन द लीफ और कॉटन. आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से सन की रेज को कहाँ पे फोकस करोगे? ये जो आपने सूखी पत्ती या कॉटन जो कुछ भी रखा है. मूव द मैग्नीफाइंग ग्लास बैक एंड फॉर टू गेट द सन स्पॉट ऑन द लीफ ऑफ द कॉटन. और आप बार बार इसको आगे पीछे करके जिससे कि सन की लाइट इस पे पड़े, रेज. क्या आप देखोगे? आफ्टर सम टाइम द हॉट रेज ऑफ द सन विल बर्न द लीफ और कॉटन. जो हॉट रेज सन की आई थी उसने क्या किया? आपने इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उस रेज को यहाँ पे डाला ना, तो क्या हुआ? वो द रेज ऑफ द सन क्या किया? बर्न कर दिया, लीफ को बर्न कर दिया, वो जल जाएगी. एंड पोर सम वाटर ऑन द बर्निंग लीफ और द कॉटन व्हेन यू फिनिश्ड योर एक्सपेरिमेंट. अब बाद में जिस जल जब ये जो जली वाली चीज होगी उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दोगे. ओके, यू विल डू. लेकिन ये कब होगा? जब सन बहुत हाई हो, हॉट सन में होगा. अभी आजकल तो सन थोड़ा कम होता है ना, तो ये आप किस दिनों में ये एक्सपेरिमेंट करोगे? जब सन बहुत तेज होगा, हाई सन होगा. और यू मस्ट हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके चलो, आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन यू हैव रिटन द डिफाइंड वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. एंड टूडे द वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज थिंक एंड आंसर. थिंक एंड आंसर वाला क्वेश्चन बचा है ना, यू विल राइट इन योर नोटबुक. ओके, डायग्राम्स यू ऑल हैव मेड. आपने लेयर्स ऑफ अर्थ का बनाया, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट बनाया, दीज डायग्राम्स यू हैव मेड ना. रोटेशन ऑफ द अर्थ का भी बना लिया है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट का बना लिया, लेयर्स ऑफ अर्थ का बनाया, रेवोल्यूशन का बनाया. लेट मी शेयर टूडेज वर्क. अभी आज आप और क्या काम करोगे बेटा? इन योर नोटबुक फ्रॉम द न्यू पेज यू विल स्टार्ट दिस वर्क. आप नोटबुक पे न्यू पेज से वर्क शुरू करोगे. राइट द हेडिंग जी थिंक एंड आंसर. वॉट मेक्स द सन मोर इम्पॉर्टेंट टू अस देन द अदर स्टार. सन और सब स्टार्स के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? द सन आंसर, यू विल राइट द आंसर. आंसर नंबर वन, द सन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर स्टार्स बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या बेटा, सन नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल है? सन से ही तो सोलर एनर्जी लेके प्लांट फूड बनाते हैं अपना,
और उसी प्लांट के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाके तो इंसान जिंदा रहता है, लिविंग थिंग सर्वाइव करते हैं, और तभी तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो अल्टीमेट क्या हुआ कि सन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। इस धरती पे क्या सन के बिना लाइट पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है? नो ना, हमें रहने के लिए ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? सन प्लांट से मिलता है, और प्लांट किसकी वजह से जिंदा होते हैं? सन की वजह से। सन सनलाइट देता है तो वो अपना खाना बना पाते हैं, तो वो सर्वाइव करते हैं ना। एक सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, सपोज द अर्थ इज नॉट टिल्टेड, यदि अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ नहीं रहता, सीधे होता, हाउ वुड दिस अफेक्ट द सीजन ऑफ द अर्थ? तो ये अर्थ के सीजन को कैसे इफेक्ट करता? इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट टिल्टेड, ये आंसर टू है ना, इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट टिल्टेड देन देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, सीजन का चेंज नहीं होता, द टेम्परेचर वुड रिमेन अनचेंज एट अ प्लेस, कहीं गर्मी कहीं जाड़ा, और एक ही एक जगह का बहुत सारे चेंज इन टेम्परेचर हमें नहीं पाते। द पार्ट दैट रिसीव द मोर सनलाइट विल ऑलवेज बी हॉट, जो एरियाज हॉट है वो हमेशा हॉट बने रहते हैं, एंड द पार्ट जो एरिया लेस सनलाइट लेते हैं वो हमेशा ही कोल्ड बने रहते हैं। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो पाता है बेटा? दिस मूवमेंट चेंज इन सीजन किसकी वजह से हो पाता है? चेंज इन सीजन जो है वो जो धरती हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है ना, झुकी हुई है, तो जब वो ऐसे करके सन के चारों ओर जब घूमती है, रेवोल्यूशन करती है, तो हमने बार बार बताया कि जो एरिया टिल्ट वाली जो कंट्रीज एक टाइम में वो सन के पास आ गई, तो जब सन के पास में आ गई तो वहां पे क्या हुआ, सन रेज बहुत हाई बना और वहां समर्स हो गया, और वो घूमते घूमते जब और जब पीछे की तरफ चली गई और दूसरा वाला एरिया सामने आ गया, तो यहाँ पे विंटर हो गया, और अब जो वाला एरिया सामने आया है वहां पर समर हो जाएगा। वी हैव सीन ना, हम लोगों ने बुक के इस पिक्चर में करके देखो, आपकी बुक में बहुत अच्छे से इस पिक्चर में क्लियर किया हुआ है। ये देखो पेज नंबर 1010 देखो सब लोग, पेज नंबर 1010 ये है ना, ये वर्जिन रोटेन पे पोजीशन दिखाई है ना, ये सन है, और सन के चारों ओर क्या घूम रही है, ये अर्थ घूम रही है, और ये पूरा अर्थ इस सन के चारों ओर घूमने में कितना समय बेटा, पूरा अर्थ घूमने में लगाती है 365 days। और इसी तरीके से आप देखते हो, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे सब अपनी पिक्चर को ध्यान से देखो, ये धरती थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये मूव करते करते झुका वाला एरिया जब इस तरफ आएगा तो वो दूर पहुंच जाएगा, जब इस तरफ है तो झुका है, टिल्टेड है इस डायरेक्शन में, घूमते घूमते जब ये इस डायरेक्शन में आया तो ये एरिया सन से दूर चला गया, और जब सन से दूर चला गया तो सन रेज लेस पड़ी, जो लेस सन रेज है वो कम पड़ी, तो जब कम पड़ी जिन कंट्रीज में, जिन एरियाज में अर्थ के, वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपका विंटर्स पड़ा। हाँ, और जहां पर सन रेज बहुत डायरेक्ट बहुत हाई पड़ी वहां पर क्या हुआ, समर हुआ। इस तरीके से एक ही कंट्री कभी हॉट होती है और कभी कोल्ड होती है। आप ही अपने इंडिया को ही आप अज्यूम करो, इन द मंथ ऑफ जून, जून में टेम्परेचर 45, 46, 48 degrees चला जाता है, कितना ज्यादा हॉट हो जाता है ना, क्योंकि उस समय अर्थ का पोजीशन ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली सन के सामने एकदम आता है और डायरेक्ट हीट उसमें पड़ती है। और यही विंटर्स में आप जनवरी दिसंबर जनवरी में आप देखते हो, इवन जो कश्मीर वगैरह कंट्री में तो क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, इवन दिल्ली वगैरह में भी नाउडेज आप देख रहे हो, लखनऊ दिल्ली में भी 1-2 degrees चला जा रहा है ना। यस, दीज ऑल थिंग्स आर क्योंकि धरती हमारी टिल्टेड है। अगर एक जैसी होती और ऐसी ही बिल्कुल बिना झुके ऐसे घूमती रहती तो कोई बात नहीं, जो एरिया सन का लाइट पा रहा है वो हमेशा ही लाइट पाता, और जो नहीं पा रहा है वो नहीं पाता। लेकिन झुकने टिल्टेड होने की वजह से क्या हो गया कि जब ये एक बार में तो ये सामने है, लेकिन जब पीछे की ओर जा रही है तो ये दूर हो जा रही है और ये कम लाइट पा रही है। ओके, इस तरीके से टुडे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। आज लेसन नंबर 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। यू ऑल हैव यू हैव टू कंप्लीट द नोटबुक वर्क what I have given today, think and answer, the long question answer, on the day of, जब भी आपका ये होगा, Zoom से classes होगी, I will see and I will ask you to share the question answer in the 12 to 12:30 जो time होता है, आप उस समय WhatsApp group में भी share कर सकते हो, learn the book exercises, children, I will can test any day,
और किसी भी जूम क्लास में एक वर्कशीट में आपको दे सकती हूँ और वहीं पे आपको पेंसिल से मेरे सामने सॉल्व करनी पड़ेगी. सो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू बी रेडी टू आंसर एवरीथिंग. कितने सारे चीजों को हम लोगों ने डिटेल में इस लेसन में पढ़ लिया ना. और फिर से आप एक बार यू रीड इन द बुक अगेन एंड फिर से रीड करोगे केयरफुली देन यू विल फाइंड द ऑल थिंग्स एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो. इफ देयर इज फर्दर डाउट्स फिर आप एडोनेक्स ऐप में जाओ. इन द ई कंटेंट यू कैन फाइंड द दोज वीडियोस. आप उस वीडियोस को फिर से देखो जहां पर मैंने समझाया है. ओके चिल्ड्रन चिल्ड्रन ना टुडे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन. वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन. द लेसन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ना बेटा. ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग था ना. एंड सम ऑफ यू हैव मेड द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम ना. बाकी जिन्होंने नहीं बनाया है वो बच्चे भी दे यू ऑल विल मेक द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम. देर आर मेनी डिफरेंट वेज. आपको जो वाला इजी पड़ता है द मटीरियल विच यू हैव यू कैन मेक दिस. ओके चिल्ड्रेन बाय बाय डियर. मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय डियर.